हे पक्या, यहाँ तेरे बाबा रात को जेल गए थे, तेरे को बेइज्जती लगी होगी ना? माफ कर दे मुझे। नहीं बाबा, आईने कहा है कि गांधी जी भी जेल गए थे और वो जेल देश के लिए गए थे ना। और फिर हमको आजादी मिली। हाँ हाँ मालूम है, चल उठ नहा के फिर नाश्ता कर ले। हाँ विठ्ठल, मुझे मालूम है तुझे आज अकेले रहने का मन नहीं कर रहा ना, मैं छुट्टी ले लूं? नहीं नहीं उधर भी एक बच्ची तेरा इंतजार कर रही। तू जा, आज कल्पी को मेरे पास रहने दे। तू दिन भर संभाल सकेगा उसको? क्यों, तुझे भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा क्या? तुझ पर तो अपने आप से ज्यादा भरोसा है विठ्ठल, ये तो तेरी राजकुमारी है, तेरे साथ रहती है तो मस्त रहती है। ए कल्पी, आज ना तू दिन भर तेरे बाबा के साथ रहेगी। इसके लिए दूध मैं बोतल में निकाल के जाती है। हाँ मैं काम पे जल्दी जाके जल्दी वापस आएगी विठ्ठल। ए विठ्ठल चल अब हंसना। दिन भर तेरी राजकुमारी तेरे साथ रहेगी तो उसके बाबा का चेहरा ऐसा देखेगी क्या? चल हंस। हे कल्पी, तेरा बाबा मेरा शाहरुख खान है। और मेरा शाहरुख खान हंसता है। मम्मी जी, ये शो आपने कल भी देखा था ना? मुझे दे दो ना रिमोट, मुझे अपना कुकरी शो देखना है। हाँ हाँ देख लेना, बस 10 मिनट ही बचे हैं। इससे अच्छा होता मैं स्वीटी को किटी पार्टी के लिए हाँ कर देती, कम से कम घर से निकलती थोड़ा बेटर तो फील करती मैं। नीतू बेटा, पाखी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि तू उसे छोड़ के बाहर निकल सके। बेटा मैं मानती हूँ कि बहुत महीनों से तू घर के अंदर ही फंस के रह गई, पर क्या करें बेटा, बच्चे होते हैं तो ऐसा ही होता है। आपका मतलब है कि मेरी और कोई लाइफ ही नहीं होगी, बस बच्चे पालने में ही लाइफ निकल जाएगी? जी श्रीवास्तव जी, आज शाम कब आ रहे हैं ना? प्लीज आपको आना ही है आज शाम। ओके नीतू, आज शाम को मैंने मिस्टर और मिसेस श्रीवास्तव को बुलाया डिनर में। साहिल आई नीड अ ब्रेक। अब कुछ ही दिन पहले तो डिनर शिनर लंच वंच सब हुआ है, आज फिर शाम को? नीतू बहुत बड़े इन्वेस्टर है, बिजनेस कम पर्सनल डिनर है, उनको बाहर लेके नहीं जा सकते। लेकिन मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारी कमला भी नहीं आई है अभी तक और मुझे नहीं लगता अभी आएगी वो। अरे पाखी तो कमला के बगैर सुबह से रो ही जा रही है। वो कमला बाई को याद करके नहीं रो रही है मम्मी जी, की माँ है उसके पास। नीतू तू किट्टी पार्टी में जाएगी तो पाखी को साथ लेके जाएगी क्या? क्या नीतू तुम किट्टी पे जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अपनी बच्ची को गोद में लेके अंदर बैठी हूँ बस। और मुझसे ये शाम का डिनर विनर नहीं ऑर्गेनाइज होगा। नीतू मैं इनवाइट कर चुका हूँ श्रीवास्तव जी को,
और मैं कैंसिल नहीं कर सकता। नमस्ते साहब। नीतू आगे है कमला भाई, आई एम श्योर ये थोड़ी देर रुक जाएंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। क्यों कमला भाई? अरे कमला, कल्पना को नहीं लाई बेटा? नहीं मम्मी जी, वो क्या जानबूझकर अब कहेगी इसलिए जल्दी घर जाना है। नहीं मैम साहब, वो कल्पी को जानबूझकर घर पे छोड़ा है, मित्तल को अच्छा लगेगा ना इस वक्त। हाँ ठीक है ठीक, लेकिन मैं अभी से कह रही हूँ, तूने सुना ना साहब ने क्या कहा, आज तुझे थोड़ी देर तक रुकना होगा। आज तो तेरे फरिश्ते भी रुकेंगे कमला, देखती हूँ तू जल्दी घर कैसे जाती है। कल्पी रे कल्पी, मेरी प्यारी कल्पी। ए कल्पू, तेरे को पता है तेरा नाम कल्पना मैंने कायकू रखा, क्योंकि तू तेरी आई और मेरी दोनों की कल्पना है। बहुत बड़े बड़े सपने हैं तेरे वास्ते कल्पी, तेरे को बहुत बड़ा बनने का है ना? बनेगी ना? तेरे को पता है कल्पू, तेरे बाबा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तू आई और बाबा दोनों के सपने पूरे करी। लोग बोलेंगे वो देखो कल्पी का बाप जा रहा है ना? उड़ 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 रोती काय को है, मैं अभी तुझे थोड़ी बड़ा होने को कह रहा हूं, आराम से। अच्छा अच्छा, ए बी सी डी ई एफ जी, उसमें से निकले पंडित जी। दूध लेके आता, रुको रुको रुको, दूध लेके आएंगे। पंडित जी ने लड्डू खाया, लड्डू खाके मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के छड़ी उठाई, छड़ी उठा के बोले भागो बच्चो भाई, भागो बच्चो भाई, अभी कल्पी दूध पिएगा। कमला ये हो जाए ना तो जरा कटलरी को अच्छे से चमका देना, बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं आज, कटलरी एकदम चमचमाती दिखनी चाहिए। और सुन, डस्टिंग करके ना ये सब जरा ठीक कर देना, ठीक है? वो इतना टाइम हो गया है, मैं भी जरा तैयार हो जाऊं। कमला मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, पुकी का जरा ध्यान रखना, ठीक है? नीतू। हाँ जी। तू किटी पार्टी में जा रही है? कहाँ जा रही हूँ मम्मी जी, बस शक्ल दिखा के आ जाऊंगी और क्या। नई किट्टी डाली है स्वीटी ने, हजार बार फोन करके कहा है कि कम से कम आके किट्टी तो डाल दे, बस वही करूंगी, आ जाऊंगी बस और क्या। देवा कल्पी मेरे बगैर कहीं विट्ठल को तंग ना करे, बाबा के साथ खेलना बेटा। कल्पी ये गलत बात है, मेरे को पता है तेरे को तेरी आई की आदत है, आज बाबा के साथ समय मिला है बिताने को तो तू बात नहीं कर सकती मुझसे। हाँ अच्छा चल घुमा कर लाऊं, घूमी घूमी चलेगी, चल चलो चलो चलो, घूमी घूमी चलो, घूमी घूमी चलो, चलो चलो चलो, घूमी घूमी चलो। कमला मैं जा रही हूँ, जरा महाराज को पूछ लेना, कुछ काम तो नहीं है उनको, मुझे पता है तेरा काम नहीं है, लेकिन तूने सुना ना साहब ने क्या कहा, कुछ प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं साहब को फोन करके बता देती हूँ कि डिनर कैंसिल कर लो। नहीं साहब भी तो इतना करते ही है ना तेरे लिए। चलो चलो चलो, बाबा मैं दूध पिलाऊं? ले। अरे बाबा, ये तो मेरे हाथ से भी दे रही है। हाँ, क्योंकि कल्पी तुझे प्यार करती है। हाँ, मैं भी कल्पी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसका भाई भी हूँ और दोस्त भी। चल दूध पिला। आया। क्या हुआ? तूने खाया? हाँ रे खाया।
जा रहा है। क्या कर रहा है पक्या? झूठ, तूने नहीं खाया ना? चल जल्दी से खा ले, आई को पता चला ना तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ए आई के चमचे रख दे वहां प्लेट, मैं आई के साथ ही खाएगा। आज रख प्लेट रख। होशियार बन रहा है, बैठ जा इधर। देवा जाने कमला कब वापस आएगी। कमला भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके आने से हमें बहुत मदद मिल गई। अब और कोई काम नहीं है ना? नहीं बस। वो क्या है ना, आज पहली बार मैंने कल्पना को विठल के साथ घर पे अकेला रखा है। इतनी देर आई के बिना वो कैसे रह पाएगी? मेम साहब अभी तक नहीं आए, मैं घर जा भी नहीं सकती। अरे अरे पापा कल्पी क्यों रो रही है? पता, पहली बार कल्पी बिना आई के रह रही है ना, ऐसा आई की याद आ रही। क्या करूं? अरे वाह कमला, बड़ा चमका दिया तूने मेरा घर। मीन साहब अब आप आ गई है तो मैं जाऊं? अभी अभी तो मेहमान आने वाले हैं, मेहमानों की देखभाल कौन करेगा? अरे मैं मेहमानों की खातिरदारी करूंगी या पूकी को देखूंगी? अच्छा मैं तुझे गाड़ी से भिजवा दूंगी, बस थोड़ी देर और रुक जा, मेहमानों का खाना पीना सब होने दे, फिर तू चली जाना। देख साहिल जी के खास मेहमान हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी गड़बड़ हो, नहीं तो उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तू चाहती है साहिल जी की इंसल्ट हो? घर में कल्पना को अकेला छोड़कर आई थी विठल के साथ, इतना देर हो गया वो। अरे कमला मैं समझ रही हूँ, मैं नीचे धर्मेंद्र से बात करके ही आई हूँ। तू एक काम करना, तू एक दूध की बोतल बना देना अपनी बच्ची के लिए, धर्मेंद्र छोड़ आएगा तेरे घर। चल तू बना ले दूध की बोतल, ठीक है? मेरे कल्पी के लिए दूध की बोतल भेजो, विठल क्या सोचेगा देवा? ला 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 ला। अरे कल्पी चुप हो जा कल्पी, कहानी सुनाऊंगी? हाँ कहानी सुनो। कहानी कहानी। अरे तोता वापस आया और बोला, तोता वापस आया और बोला कि मुझे तो आइसक्रीम मिली नहीं, मिर्ची मिली। फिर वो बंदर छलांग लगाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे आ गया और कल्पी के पास आया। बोला तोता तो लल्लू है, मैं लेके आता हूँ कल्पी के लिए अमरूद। कल्पी चुप हो जा कल्पी। जल्दी जाना देख के, चलो। क्या क्या हुआ? विठल भाई मैं हूँ धर्मेंद्र। आप पहचाना आपने? नहीं, आप कपूर साहब के यहाँ ड्राइवर? वो कमला भाई को आज देर हो जाएगी आने में, तो इसलिए उन्होंने। बढ़िया,
अच्छा है। ओके ले 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 बॉटल ले ले। चलो विठल भाई मैं चलता हूँ, थोड़ा जाना है। चलो अच्छा, अब ये भी शुरू हो गया। अभी तक मेम साहब की बेटी के लिए घर पर बॉटल रख कर आती थी, अब अपनी बच्ची के लिए ही बॉटल आने लगी। पापा, आई देर से आएगी? मुझे नहीं पता, तेरी आई जाने और तेरी आई की वो मेम साहब जाने। क्यों? सवाल किया तो एक झापड़ दूंगा खींच के। चल बजा झुंझुना। सॉरी, प्रेम बेटा प्रेम। ये मेरा बेटा प्रेम। हाय हाय। आपकी बेटी भी है ना? जी पाखी। पुकी नाम है उसका। उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लाए थे। अब एक मिनट अभी बुलवाती हूँ। कमला कमला जरा पुकी को नीचे ले आओ प्लीज। अभी लाए। आप कितने दिन की हो गई है ये? 2 महीने। 2 महीने 3 दिन। जरा फुकी को यहाँ दे दे। जद एक महाराज को मदद चाहिए। लाइए मुझे दीजिए ना। देखो आपको बेबी बहुत ही स्वीट है। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी। दूध भी पी लिया। पापा, कल्पी को मुझे दो, मेरे साथ रहकर चुप हो जाएगी। कैसे कराओगे तुम चुप? जैसे यही कराती है। कल्पी लटक गया था है ना, दोनों साथ में स्कूल जाएंगे ना? तू तो बोला चुप हो जाएगी तुझसे, रो ही रही है ये तो। ए कल्पी, मेरे को मालूम है एक माँ की कमी माँ ही पूरी कर सकती है, लेकिन मैं क्या करूं, तेरी आई को मेम साहब की फिक्र। ए पकिया, तू कल्पी का ख्याल रखना, मैं अभी आया। ना जानू लगता है आपको याद कर रही है। दिन भर आपने लिया नहीं ना इसे गोद में। जाओ रानी पापा के पास जाओ। क्या हुआ, नींद आ रही है क्या इसे? नहीं जी वो ऐसे ही। कमला भाई
देवी को लेके जाओ। सलाह देती हूँ, बहुत अच्छी बाई मिली है आपको। बच्चे के साथ तो जैसे माँ ही हो, वरना इतना छोटा बच्चा कहाँ किसी की गोद में जाके चुप होता है सिवाय अपनी माँ के। आप बहुत लकी हैं मिसेस कपूर। वैसे ये बात तो सही है, कमला बाई को तो जैसे भगवान ने हमारे घर भेजा। अगर कमला बाई ना होती तो ना जाने हमारा क्या होता।